देखो एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में चेंज कर रहे हैं, और ये जो वाक्य मैंने लिखा है आई हैव ईटन अ मैंगो, मैं एक आम खा चुका हूं, ये एक्टिव वॉइस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस मैंने लिखा है, और इसका फार्मूला भी मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब मैं इसे पैसिव वॉइस में चेंज करता हूं तो उसका भी मैंने फार्मूला लिख दिया है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वीम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले को फॉलो करते जाएंगे और वाक्य बनते जाएंगे, ठीक है ना। आई हैव इटन अ मैंगो, आई इज ए सब्जेक्ट, हैव इज ए हेल्पिंग वर्ब, इटन इज ए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड ए मैंगो इज ए ऑब्जेक्ट। ए मैंगो, तो ये ए मैंगो ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है जाता है और बहुवचन के साथ हैव आता है, तो ए मैंगो एक आम है तो हैज, अगर ये मैंगोज होता मैंगोज तो हैव होता। ए मैंगो हैज बीन फार्मूला कहता है, इटन फार्मूला कहता है, बाय आई चेंज इन टू मी, आई चेंज इन टू मी, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड अगला वाक्य मैं आपके सामने लिखूंगा, देखिएगा बाप, अगला वाक्य है आपका, अगला वाक्य मैं लिखता हूं, आई हैव रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड अ बुक, रीड इन्हें पढ़ चुका, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेम होती है, फर्स्ट और थर्ड सेम होती है वर्ब। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बनाया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, फिर से बोलो बेटा, बुक हैज बीन रीड बाय मी, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस बॉय। चल नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड अगला वाक्य हम बनाएंगे, है ना। You have written a letter. You have written a, तुम लिख चुके हो एक पत्र, तुम एक पत्र लिख चुके हो, you have written a letter, ठीक है ना, you have written a letter, तुम एक पत्र लिख चुके हो, तो बोलिए जी, आवाज नहीं करना है ना, यहाँ क्या जरूरत है तुम्हारी आवाज करने की। A letter has been written by you. Very good. Genius. चलिए अगला है आपका वी, वी ब्रिंग्स, we have brought मैं ला चुका हूं milk, we have brought milk, मैं दूध ला चुका हूं, we have brought milk, मैं दूध ला चुका हूं, तो पेशी हो जाएगा आपका milk
मिल्क हैज बीन, मिल्क हैज बीन ब्रॉट बाय अस। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला वाक्य हम लेते हैं, हमारा अगला वाक्य होगा वी हैव ओपन अ शो, वी हैव ओपन अ शो, वह हम वी ने हम खोल चुके हैं एक दुकान, हम एक दुकान खोल चुके हैं। वी हैव ओपन अ शॉप, है ना? तो बिल्कुल वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये हो जाएगा बेटा ए शॉप, ए शॉप हैज बीन has been, a shop has been open, a shop has been opened by, opened by us, हमारे द्वारा खोली जा चुकी है एक दुकान, हमारे द्वारा खोली जा चुकी है एक दुकान। चलिए अब अगला सेंटेंस हम लेते हैं, अगला सेंटेंस है हमारा, मोहन हैज, मोहन मोहन हैज, मोहन हैज संग, मोहन हैज संग दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग, मोहन गा चुका है यह गीत, मोहन गा चुका है यह गीत। तो आंसर हो जाएगा दिस सॉन्ग, यह गीत हैज, सिंगल एक गीत है, सिंगुलर नंबर हैज बीन, दिस सॉन्ग हैज बीन संग, संग बाय मोहन, बाय मोहन, मोहन के द्वारा एक गीत गाया जा चुका है, मोहन के द्वारा एक गीत गाया जा चुका है, ठीक है ना। चलिए तो ये मैंने आपको बताया फार्मूला जो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था। अब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे कि भाई पास्ट परफेक्ट में अगर वाक्य हमें दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस देखिएगा, ही हैड ईटन ए मैंगो, ही हैड, ही हैड ईटन, ही हैड ईटन अ मैंगो,
वह खा चुका था एक आम, वह खा चुका था एक आम, या उसने खा लिया था, उसने खा लिया था एक आम, है ना। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब की तीसरा फॉर्म, और ये है पूरा आपका ऑब्जेक्ट, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जब हम इसको पैसिव में चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हम चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका विन जुड़ेगा, जैसा उसमें जुड़ा था ऐसा सेम इसमें जुड़ेगा विन, प्लस बाय, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये आपका पैसिव वॉइस हुआ, एक्टिव, हाँ एक्टिव का पैसिव वॉइस हुआ, ठीक है ना। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब एक ही रहती है जो कि है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड ही रहती है, हेड ही रहती है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका एमिंग, एमिंगो हेड बीन इटन, बाय हिम, बाय हिम, एक आम खाया जा चुका था उसके द्वारा, एक आम खाया जा चुका था उसके द्वारा। अगला, अगला है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य हम लेंगे, दे हैड बिल्ट अ हाउस, दे हैड बिल्ट, दे हैड बिल्ट अ हाउस, एक घर उस उन्होंने वे बना चुके थे, एक घर वे बना चुके थे एक घर, तो ये हो जाएगा आपका ए हाउस, वेरी गुड वेरी गुड, ए हाउस हेड बीन बिल्ट बाय देम, बाय देम, बाय देम, उनके द्वारा एक घर बनाया जा चुका है, उनके द्वारा, बाय देम, चलो अगला,
वी हैड टेकन लंच, वी हैड टेकन लंच, हम ले चुके थे लंच, नाश्ता ले चुके थे. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड गुड बॉय, बहुत बढ़िया बेटा. You had joined a school. बताओ बेटा, a school had been. Very good, very good, very good. She had completed. She had completed the work. Work. उसने कंप्लीट कर लिया था उसका कार्य. कार्य उसने कंप्लीट कर लिया था. The work had been. Very good boy. Very genius. Completed by her. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. Very nice. चलिए अब हम बात करेंगे future perfect की. अभी हमने present perfect देखा, हमने पास्ट परफेक्ट देखा, अब हम फ्यूचर परफेक्ट पे बात करेंगे, है ना. फ्यूचर परफेक्ट भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, बिल्कुल देख लेते हैं साहब. फ्यूचर परफेक्ट भी देख लेते हैं, है ना. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट में हम आगे देखिएगा, अब फ्यूचर परफेक्ट के देखिएगा कैसे बनते हैं. बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे बेटा. अब हम देखो, हमने अभी आपके सामने आपको बताया
प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस करें, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस के बाद में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस करें। अब पास्ट के बाद में हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के भी हम आपको कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे साहब, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट के ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। देखिएगा आप फ्यूचर परफेक्ट पे आ गए हम। I shall have eaten a mango. I shall have eaten a mango. I और we के साथ हमेशा फ्यूचर टेंस में शेल आता है। ये आप फिक्स कर लो, नोट कर लो, दरवाजा लगाना। I is a subject है, shall have is a helping verb है, is a verb main verb है, and this is a object है। ये आपका object। I is a subject, shall have is a helping verb, eaten is a verb का तीसरा रूप है, verb का थर्ड फॉर्म है, a mango is a object। a mango क्या है आपका, ए मैंगो आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इसे हमें मतलब आई शेल हैव ईटन अ मैंगो, मैं एक आम खा चुका होऊंगा, मैं एक आम खा चुका होऊंगा, इस तरीके से इसका निकलता है अर्थ। अब इसको ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है, इस एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस वर्ब का प्लस में आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपका इसमें बीन जुड़ जाएगा, क्योंकि उधर भी आपका बीन जुड़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में बीन लगाया था आपने, तो इसमें बीन लगेगा, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, प्लस बाय आएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी प्रोसेस रहेगी, इसी फार्मूले को फॉलो करना है, इसी फार्मूले के फॉलो करेंगे और ये बाकी हमारे बनते जाएंगे, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, वेरी नाइस। मैंगो एक आम, विल आएगा, विल हैव, देख आई शेल हैव, will have been a mango, will have been eaten by I change into me change हो गया, I क्या में change हो गया, me में हो गया। A mango will have it been eaten by me. इस तरीके से ये वाक्य बनेंगे। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं हम। अगला सेंटेंस देखिए बाप।
अगला सेंटेंस रहा आपका, राम विल, राम विल हैव, राम विल हैव हेल्प्ड, राम विल हैव हेल्प्ड मी, राम मेरी मदद कर चुका होएगा, राम मेरी मदद कर चुका होएगा, राम मेरी मदद कर चुका होगा। तो अब यहां पर आपका मी, मी क्या में, वेरी गुड, I shall have been helped by Ram, राम के द्वारा मदद की जा, मेरी मदद की जा चुकी होगी, राम के द्वारा मेरी मदद की जा चुकी होंगी। अगला अगला वाक्य हम लेते हैं, रॉबर्ट्स robbed the village, डाकुओं ने डकैती, डाकू गांव में डकैती कर चुके होंगे, डाकू गांव में डकैती कर चुके होंगे, तो ये हो जाएगा आपका द विलेज विल हैव बीन रॉब्ड बाय बाय रॉबर्स, इधर लिख देता हूं, रॉबर्स डाकुओं के द्वारा डकैती की जा चुकी होंगी, डाकुओं के द्वारा डकैती की जा चुकी होंगी। अगला मतलब ये वाक्य आपको फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो बड़ी आसानी से सहजता से एक्टिव वॉइस बना सकते हैं, पेसी वॉइस बना सकते हैं और एक वॉइस को दूसरे वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, बड़ी आसानी से आप ये कर सकते हैं। चलिए, they will have done the work,
द वर्कर विल हैव बीन द वर्क विल हैव बीन डन बाय देम उनके द्वारा कार्य पूर्ण किया जा चुका होगा। ही विल हैव हेल्प्ड मी आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम I shall have been helped by him. Yes, yes. चलो I shall have I shall have taught them तो ये हो जाएगा बेटा दे विल हैव been taught by me. चलिए next term हम लेते हैं इसके बाद अगला है हमारा she will She will have got a job. तो ये हो जाएगा आपका यहां लिख देता हूं मैं A job will have been got by very nice. तो इस तरीके से हमने आपके सामने तीनों टेंस के परफेक्ट रूप देखे, प्रेजेंट परफेक्ट देखा, पास्ट परफेक्ट देखा और फ्यूचर परफेक्ट देखा, और तीनों हमने आपके सामने करें, है ना, तीनों